हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्कोर अप में। और इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश सेमेस्टर 2 का असाइनमेंट करवाऊंगा। और इससे पहले मैंने इंग्लिश सेमेस्टर 2 का एक क्वेश्चन करवाया था। 4 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके वहाँ से आप चेक कर लेना। और अलग से मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना रखा है, ड्यू सोल असाइनमेंट का अलग से मैंने इसका प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ से भी चेक कर सकते हो अगर आपने कोई सा असाइनमेंट अभी तक नहीं बनाया। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप देख लेना। और आपको मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था इंग्लिश का असाइनमेंट आपको कितने पेज में बनाना है, जो आपको मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ाया था। तो आपको मैं इंस्ट्रक्शन उसको दोबारा दिखा देता हूँ, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन इन ऑल, 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ है जो आपके लिए नया है, एनी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स ईच, मतलब कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 500 वर्ड्स में इसको लिखना है हर एक क्वेश्चन को। तो उसके नीचे लिखा हुआ है राइट योर नेम एंड रोल नंबर ऑन ईच पेज ऑफ योर आंसर शीट, ये तो आपको सभी को पता है, हर एक पेज पर आपको नेम एंड रोल नंबर लिखना है। तो आपने पढ़ लिया इंस्ट्रक्शन, अब हम देखते हैं अपना असाइनमेंट। ये हमारा हो गया पेज नंबर 6, 1 से 5 तक मैंने उसमें क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। टोटल 2 क्वेश्चन करना है ना, उसका सेकंड क्वेश्चन ये है जो कि पेज नंबर 6 से स्टार्ट है। तो ये देख लो हमारा ये पेज नंबर 6 है, इसको थोड़ा मैं जूम करूँगा ताकि आपको क्लियर विजिबल हो जाए, अभी आपको क्लियर विजिबल नहीं हो रहा होगा। तो अब मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये हो गया हमारा पेज नंबर 6। अब नेक्स्ट पेज लगा देता हूँ मैं, उसी का सेकंड पार्ट। ये हो गया पेज नंबर 6 का सेकंड पार्ट, उसके नीचे हो जाएगा ये चार टाइप के रीडिंग, वो पूछा था क्वेश्चन में रीडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग पूछा था। तो ये रहा टाइप्स ऑफ रीडिंग, स्कीमिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग। तो स्कीमिंग में क्या होता है ये सब लिख रखा है मैंने। स्कीमिंग में हम किसी चीज़ को हम काफ़ी स्पीड से रीडिंग करते हैं ताकि उसका रफ आइडिया मिल जाए, इसी को कहते हैं हम स्कीमिंग, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं जिसमें। यह हो गया हमारा पेज नंबर 7, यहाँ पे इसमें स्कैनिंग मिल जाएगा आपको, स्कीमिंग और स्कैमिंग के डिफरेंस मिल जाएंगे। ये देख लो स्कीमिंग होता है फास्टर स्पीड रीडिंग कर लेते हैं, उसे बोलते हैं स्कीमिंग। ये हो गया स्कैनिंग, स्कैनिंग इज अ टेक्निक फॉर रीडिंग इन विच द रीडर ट्राइज टू फाइंड द पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। ये हो गया, अब देख लो इसका डिफरेंस, द टेक्स्ट इज रीड एट द फास्टर स्पीड, बताया था मैं आपको मैंने अभी, स्कैनिंग में काफ़ी क्लियरली विजिबल हो, क्लियरली इंफॉर्मेशन मिले, उस तरीके से पढ़ते हैं हम स्कैनिंग में। ये हो गया नेक्स्ट पेज, ए पेज नंबर 8। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना, उसके सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया पेज नंबर 8 का। ये हो गया सबसे नीचे वाला पार्ट। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, आपकी थोड़ी बहुत ज़रूर हेल्प हो जाएगी यहाँ से। ये हो गया एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में लिखा मैंने, व्हाट आर एक्सटेंसिव रीडिंग, किसे कहते हैं। चार टाइप की रीडिंग होती है, स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। क्वेश्चन में पूछा गया था डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग, तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे बुक की हेल्प से।
ये देखो यहाँ पर ये हमारा पेज नंबर 9 है, जो कि लास्ट पेज है हमारा। 500 वर्ड से थोड़ा आसपास है इसके, इससे थोड़ा ज़्यादा ये कम नहीं है, लेकिन ये 9 पेज नंबर का सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उनको भी, क्योंकि इंग्लिश का सब्जेक्ट तो कॉमन है सबके लिए, तो आपको इसको सबको शेयर कर देना, जो भी आपका DU में स्टूडेंट्स दोस्त है जो भी हो। हो गया इंटेंसिव रीडिंग में लिखा मैंने इसके बारे में। और लाइक कर देना दोस्तों, लिखने में काफ़ी टाइम लगा इसको, पहले ढूंढो बुक में ढूंढ ढूंढ के लिखा मैंने इसको। ये हमारा लास्ट पेज था, तो मैंने आपको इंग्लिश का असाइनमेंट कंप्लीट करवा दिया। इस तरीके से हमारा 6 सब्जेक्ट के असाइनमेंट कम्प्लीट हो गए। अगर आपने किसी का नहीं देखा तो आप लिंक में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दे रखा मैंने, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए असाइनमेंट के साथ। और लास्ट में यही बोलूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आप सब्सक्राइबर एंड लाइक करोगे तभी मुझे काम करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मैं इससे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना के आपको शो करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर, गुड बाय।